16 मार्च राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस के अवसर पर आज जिला चिकित्सालय परिसर से एक जागरूकता रैली का आयोजन नीमच जिला चिकित्सालय से किया गया, जिसमें विभाग के आशा कार्यकर्ता और स्वास्थ्य कार्यकर्ता द्वारा सम्मिलित होकर खसरे जैसी संक्रामक एवं जानलेवा बीमारी के बारे में आमजन को जागरूक किया गया। इस अवसर पर जिला टीकाकरण अधिकारी डॉक्टर सिसोदिया ने बताया कि खसरा एक अत्यंत ही घातक एवं संक्रामक रोग है जो 9 माह से 5 वर्ष तक के बच्चों में फैलता है। इसे स्थानीय भाषा में छोटी माता के नाम से जाना जाता है। इस बीमारी में बुखार के साथ छोटे छोटे दाने त्वचा पर उभर आते हैं। सामान्यतः इनमें कोई दर्द या जलन नहीं होती है, किंतु यदि खसरे का समय पर इलाज नहीं किया जाता है तो ये जानलेवा भी साबित हो सकता है। इस बीमारी से बचाव के लिए राष्ट्रीय टीकाकरण कार्यक्रम अनुसार 9 माह से 12 माह की आयु में मिसल्स रूबेला का एक टीका तथा 16 से 24 माह की आयु में इसका बूस्टर डोज दिया जाता है, जो जीवन भर छोटी माता की बीमारी से बचाव करता है। रैली का मुख्य उद्देश्य लोगों में जन जागरूकता पैदा करना था। रैली शहर के मुख्य मार्ग से होते हुए पुनः जिला चिकित्सालय पर आकर समाप्त हुई। मिजल्स के लिए जन जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है, क्योंकि ये खसरा मिजल्स जो है ये बहुत जानलेवा बीमारी है और ये 5 साल तक के बच्चों में फैलती है और इसकी वजह से बच्चों की मृत्यु भी हो जाती है। और इसका एक ही इलाज है, टीकाकरण। मिजल्स का टीका लगाया जाता है, 9 माह में और 16 माह में टीका लगाया जाता है, जिससे काफ़ी हद तक इसका बचाव हो जाता है। इस बीमारी में बुखार आता है, शरीर पे चकते पड़ते हैं और सर्दी खांसी होती है, आंखें लाल होती है, और वो अगर समय पे इलाज नहीं किया जाता है तो वो गंभीर बीमारी में बदल जाता है। निमोनिया डेवलप होता है, डायरिया डेवलप होता है, मेनिंजाइटिस डेवलप होता है और इसकी वजह से बच्चे की मृत्यु भी हो सकती है। इसी के लिए हम लोग आज जो है जन जागरूकता अभियान के संदर्भ में रैली निकाल रहे हैं और प्रचार प्रसार कर रहे हैं हमारे सभी ब्लॉक स्तर पे। ये रैली नीमच शहर में होती हुई जो है वापस यहाँ पे समापन होगा और हमारे इसी तरीके से जो है हमारे उप स्वास्थ्य केंद्र लेवल, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र लेवल एवं ब्लॉक लेवल पे हमारे ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर जो हैं वो इसका जन जागरूकता अभियान चलाएंगे। सभी आशा कार्यकर्ताओं के माध्यम से, स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं के माध्यम से जन जन में जागरूकता फैलाएंगे कि ये खसरा बीमारी जो है ये माता प्रकोप के नाम से जान जाती है, लेकिन ये गंभीर बीमारी है, इसमें बच्चों की मृत्यु भी हो जाती है।